नगर परिषद के मासिक बैठक चेयरमैन के मौजूद न होने के चलते 22 चेयरमैन दीप बजाज की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सफाई कर्मचारियों को वर्दी में रहने के अलावा सफाई ठेकेदारों के मोबाइल नंबर वार्डों के सभी लोगों को मुहैया करवाए जाएंगे। साथ ही नगर परिषद क्षेत्र के चौराहों पर ट्रैफिक लाइट का प्रबंध करने व कुछ चुने हुए स्थानों पर सीसीटीवी भी लगाने का निर्णय लिया गया है। नगर परिषद हमीरपुर की मासिक बैठक चेयरमैन सुलोचना देवी की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जगह जगह के लगे कूड़े के ढेर और शहर में रेडियो की भरमार पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सफाई कर्मचारियों को वर्दी में रहना होगा, सफाई ठेकेदारों के मोबाइल नंबर वार्डों के सभी लोगों को मुहैया करवाए जाएंगे ताकि लोगों को इसकी सहूलियत मिल सके और शहर स्वच्छ बना रहे। इसके अलावा शहर के चारों तरफ जो भी नगर परिषद की सड़कें मुख्य सड़क से जुड़ी होंगी उनमें नगर परिषद बड़े बड़े गेट लगाएगी। इसके अलावा शहर के चौराहों पर ट्रैफिक लाइटों की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को रात के अंधेरे में ज्यादा परेशान ना होना पड़े। मीटिंग के दौरान 3 लोगों को घर बनाने के 1 साल की एक्सटेंशन दी गई, जबकि 15 लोगों को बुढ़ापा एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन लगाने का विभाग को पत्र भी लिखा गया। वहीं बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि जो दुकानदार शीशों को नालियों में फेंक रहे हैं उन्हें शीशे पानी में ना बहाने के लिए कहा जाएगा। शहर में सफाई व्यवस्था बनी रहे और स्ट्रीट लाइट जगमगाती रहे, इसके लिए जल्द ही ठेकेदारों के साथ बैठक भी आयोजित की जाएगी। मीटिंग में आज सफाई व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई, ये सभी पार्षदों ने संतुष्टि जताई। कुछ कारणों से शहर में कूड़ा उठाने की गाड़ी चलाना जरूरी है, वो पास किया गया कि वो जल्दी से जल्दी शहर में 3 टाइम गाड़ी चलाई जाए, जिससे शहर सुंदर और सफाई के लिहाज से और अच्छा बन सके। 15 लोगों की एप्लीकेशन पेंशन के बारे में, जिसमें सुरक्षा पेंशन या बुढ़ापा पेंशन थी, उसको भी परिषद ने पास किया। एक एक्सटेंशन के लिए 3 केस थे, वो भी पास कर दिए गए, पारित हुए। वार्ड नंबर 11 से एक बीपीएल का केस और एक आधे 12 और से बीपीएल के केस आए हैं, उनको भी इसमें पारित कर दिया गया। सुनिश्चित किया गया कि उनके कागजात ठीक पाए जाते हैं तो उनको बीपीएल में डाल दिया जाएगा। स्ट्रीट लाइट के बारे चर्चा हुई, जो ठेकेदार स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं उनसे नगर परिषद बात करेगी, क्योंकि नगर परिषद समिति है कि वो कार्य जो है वो ठीक पूरी गति से नहीं हो रहा है, उसको बुलाकर उससे बातचीत करके इसकी गति दी जाएगी और इसको अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। कुछ लोग शीशे का कार्य करते हैं शहर में, कुछ बिजनेस में, तो वो शीशा नालियों में बिखरता है, चलता है पानी में, तो ये जहर का रूप धारण करता है, इसलिए उनको हिदायत दी जाएगी कि अपने शीशे का उचित स्थान पर फेंकने का जो है वो प्रबंध करें।